जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडीओ ब्रिज पे। तो साथियों देखिए, सीआईटीएस का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है या वायरमैन ट्रेड है, उसके लिए आज हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड थ्योरी के जितने क्वेश्चंस हैं जो कि भारत स्किल के वेबसाइट पे डाले हुए हैं, तो वो पूरे पीडीएफ जो पूरा आपका सीआईटीएस का जो कोर्स है या सीटीआई का जो कोर्स है, उसमें जो आप लोग के सीबीटी एग्जामिनेशंस में जो आएंगे क्वेश्चंस, उस पर मैं सारा पीडीएफ जो भारत स्किल वाला है वो पूरा करा दे रहे हैं। तो इसको आप लोग जो है वीडियो में पूरा सुन लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ सभी आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का भी, जो कि हर ट्रेड के लिए है, उसका भी मैंने जो है पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, तीन पार्ट में है, उसको भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आज जो है मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू और मॉड्यूल थ्री, मॉड्यूल फोर करेंगे, जिसमें कि मॉड्यूल वन में सेफ्टी प्रैक्टिसेस है, मॉड्यूल टू में जो है आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, मॉड्यूल थ्री में आपका सेल एंड बैटरीज है, और मॉड्यूल फोर में जो है आपका वायरिंग प्रैक्टिसेस अर्थिंग है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे लेवल वन लेवल टू के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी को देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसे मैं समझा दूंगा जहाँ जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो देखिए लेवल वन का हम लोग बात करते हैं और सेफ्टी प्रैक्टिसेस का। तो क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज स्मूदरिंग इन फायर एक्सटिंग्विशर और इन एक्सटिंग्विशिंग एयर फायर। कहा जा रहा है कि स्मूदरिंग जो प्रोसेस होता है आग को बुझाने में, वो क्या होता है। तो इसका आंसर जस्ट आप क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, उसके बाद आप मन में इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैं तुरंत ही आंसर बता दूँ, तो क्योंकि लंबा वीडियो बनता है, इस वजह से फटाफट कराना होता है। इसका क्या मतलब होता है स्मूदरिंग का, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है उसको फायर से क्या करना, रोक देना, आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, उसे कहते हैं स्मूदरिंग। अब इस टूल का नाम बताना है, ये टूल कौन सा है भाई, तो ये है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। चलिए अभी जो ये भाग देख रहे हैं फाइल का, इस फाइल में ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हील कहते हैं, HEEL। अगला क्वेश्चन, ये जो हैमर देख रहे हैं ये कौन सा हैमर है भाई बताइए, तो देखिए ये क्लॉ हैमर है, आगे से पिन वगैरह निकालने के लिए यूज में लिया जाता है, नेल्स वगैरह को निकालने में, काटे वगैरह निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा क्लॉ हैमर। सो ये देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, ये कौन सा टूल है बताइए, तो देखिए ये कौन सा है, टैक्स हैमर। ठीक है, क्या है, टैक्स हैमर। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, ये नीमी का जो पीडीएफ है इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और इसका आंसर भी कहीं कहीं कुछ कुछ गलत है, ठीक है, मैं मानता हूँ, बट आपको वो चीज़ जज नहीं करना है कि मैंने वो आंसर बताया है वो गलत बताया है, क्योंकि इस भारत स्किल में यही आंसर दिया है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, और मेरे समझ से आपको इस यही आंसर लगाना भी चाहिए, तभी आपको नंबर भी मिलेगा। चलिए लेवल टू में आ जाते हैं। लेवल टू क्या है, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म वेन यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर। जब आप फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक का जब उपयोग करते हैं तो सिक्वेंस क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको ऑपरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पुल करना चाहिए, जो पिन दिया हुआ था, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, ये यहाँ पे एक जो है पिन लगा हुआ था, उस पिन को पहले क्या करना चाहिए, पुल करना, खींचना चाहिए, उसके बाद फिर एम करना चाहिए, जहाँ भी आग लगा हुआ है वहाँ पर क्या करना चाहिए, एम करना चाहिए, उसको स्क्वीज करना चाहिए, हैंडल के पास जो होता है उसको दाबना चाहिए, स्क्वीज, और उसको स्वीप करना चाहिए, मतलब जो गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो भी है आपका फायर एक्सटिंग्विशर जिस भी टाइप का है, वहाँ स्वीप करना चाहिए, जहाँ पे एरिया जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्वीप ऐसे करके फैला करके हाथ से, मतलब कि चारों बगल दिखाना चाहिए, ठीक है, स्वीप करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप। तो इसमें बोला गया है प्लायर का नाम पूछा गया है, कौन सा जो है हुक और लूप बनाने के काम में आता है भैया, तो यहाँ हो जाएगा राउंड नोज प्लायर का यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर, तो पिंसर का क्या काम है बताइए, एक्सट्रैक्ट द पिन नेल फ्रॉम द वुड। लकड़ी से जो पिन वगैरह निकालने के काम में पिंसर का इस्तेमाल किया जाता है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगा हुआ है तो उसमें किस तरह का अग्निशामक का यूज कीजिएगा बताइए, तो इसका हो जाएगा हैलॉन टाइप। क्या हो जाएगा, हैलॉन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज स्टार्विंग इन फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, मतलब कि जो जो आग बुझाने में स्टार्विंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, रिमूविंग
फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, तो आग से जो भी जलनशील पदार्थ है, जो भी फ्यूल है, उसको निकालने का काम को स्टार्विंग कहा जाता है। स्मदरिंग क्या होता है? ऑक्सीजन के सप्लाई को कट करना स्मदरिंग कहलाता है। स्टार्विंग हो गया फ्यूल के सप्लाई को कट कर देना, एक तरह से ऐसे समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म बाय विक्टिम विथ इंजरीज ऑन चेस्ट एंड बेली। चेस्ट और बेली में, मतलब कि छाती और पेट में अगर उसका इंजरी हुई है, तो फिर कौन सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप दीजिएगा? तो इसमें हो जाएगा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस टूल के बारे में आपको बताना है कौन सा टूल है। तो ये हो जाएगा एक्सट्रैक्टिंग नेल फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कांटे निकालने के काम में आता है इसका। इसको क्या था? पिंसर था। मैंने यह क्वेश्चन भी कराया था ना पिंसर से, ये पिंसर इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए दिया है, हाउ विल यू डायगोनाइज, ठीक है, डायगोनाइज द विक्टिम इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। कोई विक्टिम है, उसको आप कैसे एग्जामिन कीजिएगा कि वो कार्डियक अरेस्ट से विक्टिम है, मतलब सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपियर्स ब्लू अराउंड हिज लिप्स, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ होगा तो जो भी विक्टिम है उसका जो ओट है वो नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्डियक अरेस्ट कहाँ होता है? हृदय में होता है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पहला कौन सा आप प्राथमिक उपचार दीजिएगा अगर कोई विक्टिम है, कोई अगर रोगी है जिसका कि ब्लड बह रहा है तो? तो देखिए क्या करेंगे, अप्लाई प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्सन, जहाँ पे कटा हुआ, जहाँ से ब्लड बह रहा है वहाँ पे प्रेशर से दाबेंगे अपने फिंगर से, कोई दूसरे पर्सन दाब सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है 10, विच कंडीशन ऑफ विक्टिम द माउथ टू नोज मेथड इज अप्लाइड। मुख से नाक में जो श्वास जो भरा जाता है, किस स्थिति में भरा जाता है? देखिए जब विक्टिम का जो मुंह होता है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज, व्हेन द विक्टिम माउथ हैज ब्लॉक्ड ऑफ एयरवेज। जब विक्टिम जो है, जब रोगी का मुंह जो है ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि भरा हुआ होता है, उस टाइम नाक से हम लोग सांस भेजते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर का यूज किया भाई, तो मेकिंग हुक्स एंड लूप्स ऑन द वायर, बताए थे अभी। विच टाइप ऑफ फायर इज हैविंग हायर रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड सडन आउटब्रेक, तो किस तरह के जो फायर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वो, और बहुत ज़्यादा रिक्सी होता है, क्योंकि उसमें विस्फोट होने का और सडनली जो है बहुत बड़ा हादसा हो जाने का खतरा होता है। तो हर जगह फायर ऑन लिक्विड गैस, फायर ऑन लिक्विड गैस मतलब कि जो आग लगता है लिक्विड गैस के कारण, जैसे कि LPG सिलेंडर्स वगैरह, क्या एक प्रकार का लिक्विड गैस ही अंदर तो भरा हुआ होता है ना, तो उस तरह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आग लगने का खतरा होता है। क्वेश्चन अगला, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। कहा जा रहा है कि कौन सा इमीडिएट एक्शन आप इस्तेमाल कीजिएगा अगर कोई विक्टिम है वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट में है, वो करंट छू दिया है, उस केस में क्या कीजिएगा भाई? देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। आपको कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट को छुड़ाना है कैसे, पहले आप पावर सप्लाई को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन द फायर ऑन वुड और क्लॉथ्स कैन बी एक्सटिंग्विशेड बाय यूजिंग वाटर। कह रहा है कि जो आग जो कपड़ा में या फिर जो लकड़ी में लगा हुआ होता है, तो उसको आप किस तरह से पानी से कैसे बुझाइएगा, पानी से किस तरह से बुझाइएगा? तो देखिए इसके लिए क्या है, इट मस्ट बी स्प्रेड ऑन द बेस ऑफ द फायर एंड ग्रेजुअली मूव अपवर्ड, ठीक है। तो मान लीजिए कपड़े में या फिर लकड़ी में आग लगा हुआ है, तो पानी कैसे स्प्रे कीजिएगा, पहले बॉटम से जहाँ से आग निकल रहा है, मतलब नीचे से एकदम नीचे में पहले पानी फेंकिएगा, उसके बाद फिर ऊपर की ओर उसको उठाइएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, ऊपर से ही पानी फेंकते, ऊपर फेंकने से क्या होगा, आग और फैलेगा। हमें क्या करना चाहिए, नीचे से पानी ऊपर की ओर लाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आग जल रहा है, तो
पानी जो आप स्प्रे कीजिएगा तो इस जगह पे स्प्रे कीजिएगा, मूवमेंट आपका ऊपर जाएगा, इस तरह से पानी आपको स्प्रे करना है ऊपर की ओर, ना कि ऐसे कीजिएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो यहाँ आग है ना ये और स्प्रेड हो जाएगा चारों ओर, इसलिए ऐसा करने के लिए कहा जाता है। व्हाट विल हैपन टू द फायरमैन इफ ही विल चेंज ऑपरेशन सिक्वेंस ऑफ पास, ठीक है। तो फायरमैन जो होता है, जो दमकल कर्मी होते हैं, अगर इस सिक्वेंस को बदल दे, ठीक है, पुल, फिर जो है एम, उसके बाद जो है स्वीप, आई मीन जो है स्क्वीज, उसके बाद जो है स्प्रे, ठीक है। तो अगर इस सिक्वेंस को बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फायर एक्सटिंग्विशर गेट एक्सप्लोडेड एंड डैमेज। मतलब क्या होगा, फायर एक्सटिंग्विशर जो है क्या हो सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, फट सकता है और डैमेज, नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, हाउ विल यू रेस्क्यू द इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम इफ यू आर नॉट एबल टू स्विच। अब क्वेश्चन आगे कि अगर कोई किसी को करंट लग रहा है और आप स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में फिर क्या क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पुल आउट बाय यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। कोई जो कुचालक वस्तु है होती है उसके थ्रू उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पांच नंबर, व्हाट विल हैपन इफ द रॉन्ग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज यूज्ड। कह रहा है कि अगर रॉन्ग गलत एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स का यूज कर लें, ठीक है, उस केस में क्या होगा। ओके, जैसे कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, पानी वाला एक्सटिंग्विशर, अगर आप इलेक्ट्रिक के बोर्ड में कहीं आग लगाया उसमें पानी वाला यूज कीजिएगा तो उस केस में क्या होगा बताइए। जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा घातक हो जाएगा, है ना। तो क्या जगह, इट लीड टू मेक द फायर एरिया टू और सिचुएशन, मतलब कि बहुत बद से बदतर स्थिति कर देगा जहाँ आग लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, पेशेंस रख के जो है पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको सुनने में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है तो सोचिए मुझे बनाने में वीडियो को जो है कितना ज़्यादा पेशेंस में रख के बनाया हूँ। तो आप अपने एग्जाम के लिए कुछ टाइम तो दे ही सकते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट विल हैपन टू द टेनन सॉ इफ ग्रीस इज नॉट अप्लाइड व्हाइल नॉट इन यूज। कहा जा रहा है कि जब टेनन सॉ जो होता है अगर उसमें ग्रीस नहीं लगाया जाता है, मान लीजिए वो यूज में नहीं हो रहा है, यूज में नहीं आ रहा टेनन सॉ। टेनन सॉ क्या होता है, एक प्रकार का आरी होता है, ठीक है, आरी जिससे लकड़ी उकड़ी ये सब जब काटा जाता है, ठीक है, तो वो बहुत दिन से यूज में नहीं है, हाँ, और उसमें ग्रीस भी नहीं अप्लाई किया गया है, उस केस में क्या हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, देखिए रस्ट विल फॉर्म ऑन टॉप सरफेस ऑफ टीथ। जो टीथ होगा इसका, जो धार वाला जो पार्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जंक लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, जंक लग जाएगा, मतलब रस्ट कर जाएगा ये। तो अगर लंबे समय के लिए रखना है तो यहाँ पर आप ग्रीसिंग इसको कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सात नंबर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विथ एक्सेसिव लेवल ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक का क्या इफेक्ट हो पड़ेगा जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करंट जो है फ्लो करने लगे। ठीक है, तो क्या होगा, किसी पर्सन को मान लीजिए लग रहा है करंट और बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो हो गया उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, मे लूज कॉन्सियसनेस एंड मे लीड टू फैटेलिटी। मतलब कि वो अपना आपा खो देगा, वो मतलब कि होश अपना जो है लूज कर देगा, उसको होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगा, और वो मतलब कि लीड टू फेटलिटी। फेटलिटी मतलब बेहोश हो जाना, और कंसियस मतलब कि उसको समझ बूझ का बिल्कुल ज्ञान वो खो देगा। ठीक है, उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है नहीं करना है, माइंड उसका काम करना बंद कर देगा, जो कि अनकंसियस इसको कहते हैं, और फेटलिटी मतलब बेहोश भी हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आंसर की था लेवल वन लेवल टू का, जो कि आप लोगों का ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और दूसरा देखिए चैप्टर हम लोग चलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में है पहला क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट क्लोज्ड सर्किट इलेक्ट्रिक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। कह रहा है कि कोई क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है, कोई क्लोज सर्किट है, तो क्वेश्चन देखिए कहता है कि कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है, और उसमें जो है जो अप्लाइड वोल्टेज है, तो क्लोज सर्किट में कुछ जो है कंपोनेंट्स भी होंगे, तो कंपोनेंट्स में जब वोल्टेज अप्लाई होगा तो वो किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। मतलब ये कौन सा लॉ स्टेट करता है, इस लॉ के बारे में पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या हो जाता है आपका, केवीएल को हम लोग कहते हैं, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आरटी के बारे में पूछा गया, जहाँ की रजिस्टर R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्शन किया जाए। तो जब पैरेलल में कनेक्शन किया जाएगा तो सम ऑफ जो रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आरटी ऐसे लिख सकते हैं आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1, फिर प्लस में 1/R2, ठीक है, और प्लस में 1/R3। तो ये हो जाएगा इस तरह से, तीन रजिस्टर दिया था इसलिए, और मान लीजिए 4 होगा तो फिर इसे बढ़ा सकते हैं, और एन होगा तो डॉट 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 1/N कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो इक्विवेलेंट में जो है ये आपको टर्म दे देगा, लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 1/ इतना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेम ऑफ रजिस्टर, इस रजिस्टर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा ये जो है रजिस्टर है। तो ये हो जाएगा वायर उन्ड रजिस्टर, क्या हो जाएगा, वायर उन्ड रजिस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना है आपको, देखिए वायर उन्ड इसमें रहता है, ये आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह में भी आप लोग करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो होता है आपको पता होगा, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, भी इक्वल टू आई आर। तो इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है बताइए, पहला क्या है, भी वोल्टेज है, आई है करंट, ठीक है, और आर क्या है आपका रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, देखिए करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा गया है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है, क्या होगा, ओम मीटर। अब अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया है। तो देखिए क्या होगा, करेंट इंटू टाइम। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको कि हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है, CHARGE, चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, करेंट इंटू मतलब कि आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई टी, जानते होंगे आप लोग, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो ये हो जाएगा आपका चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन 5 हो गया, आप देखिए 6 नंबर, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ओम मीटर जो है दोनों का है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी और यहाँ पे रेजिस्टिविटी का भी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का भी और जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों का ही ओम मीटर होगा। अब यहाँ देखिए 8 नंबर में पूछा गया है, ये जो ज्वाइंट देख रहे हैं ना, इस ज्वाइंट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ज्वाइंट है, ठीक है, तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो 8 है उसका हो जाएगा नॉटेड टैप ज्वाइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉटेड, क्योंकि नॉट सा देखिए यहाँ बना हुआ है ना, ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है नॉट है, तो नॉट टैप ज्वाइंट कहलाता है। अब कह रहा है कि कॉपर का जो एटम होता है उसकी बाहरी कक्षा में मतलब कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो पूछा गया है। तो कितना होता है, देखिए 1 होता है, क्यों 1 होता है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 8, 18 और 1। तो देखिए ये जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें कितना एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है लास्ट में, जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो क्या हो जाएगा, मेगा ओम होता है, ठीक है। अब इस जॉइंट के बारे में बताना है, ये कौन सा जॉइंट है भाई, तो ये है मैरिड जॉइंट है, ठीक है, मैरिड जॉइंट, ओके। अब देखिए व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर इज डेजिग्नेटेड एज 10 square mm केबल ऑफ साइज 7/1.40। कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रैंडेड कंडक्टर है जो कि 1.40 से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है और डेजिग्नेटेड एज 10 square mm, और क्या बोला जा रहा है कि 10 mm स्क्वायर केबल ऑफ साइज 7/1.40 है अगर, तो यहाँ पे जो है 1.40 के बारे में बोला जाए ये क्या कहलाएगा,
एक 10 मिलीमीटर स्क्वायर का साइज का एक केबल है, और जो है साइज जो है उसका 7/1.40 है। तो 1.40 किस चीज़ को डिनोट करेगा, तो किसको डिनोट करेगा, ये आपका डिनोट करेगा डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर। ठीक है, हर एक कंडक्टर का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 1.40। मतलब कहने का है कि ये जैसे केबल होगा इसमें 7 कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, और ये पूरा का जो ये जो थिकनेस देख रहे हैं, ये पूरा का जो मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ये 10 mm² हो गया ये पूरा का, ये पूरा पार्ट का। और अंदर जो है कितने कंडक्टर्स हैं, 7 हैं, और हर एक कंडक्टर का डायमीटर कितना है बताइए, हर एक कंडक्टर का व्यास कितना है, 1.40। आई बात समझ में, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर कहता है, देखिए व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे रेटिंग फैक्टर बोला गया है, ठीक है, केबल का, जहाँ की कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन कितना है, वो रेटिंग मतलब पूछा जा रहा है, रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है केबल का, जब कोर्स एक्शन जो है करंट प्रोटेक्शन का मतलब कितना होगा, रेटिंग फैक्टर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए। तो 13 का देखिए आंसर आता है आप लोग का क्या, 1.23। तो इसका ध्यान रखिए कि रेटिंग फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 1.23। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज से जानते हैं, जिसको कि कूलम्ब उसका यूनिट होता है। तो यूनिट पूछा गया था तो कूलम्ब हम बता दिए यहाँ पे आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। तो सोल्डरिंग मेथड बताइए क्या हो जाएगा, ये देखिए गन जैसा है ना, पकड़ने में गन जैसा, बंदूक जैसा लग रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोल्डरिंग गन हो जाएगा। अब कैलकुलेट ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ इसका फॉर्मूला पूछ दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ जो होगा, किसी मान लीजिए कोई बैटरी या कोई सेल है, उसका जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप अंदर में हो रहा होगा वो, ठीक है, साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैल्यू, और प्लस अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा ईएमएफ, ऑप्शन नंबर चले जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया है कि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल का रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका भी हालांकि आंसर यहाँ पे 1.23 है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा एक्यूरेट आंसर इसका, ठीक है। ये क्या था, कोर्स एक्सेस, और यहाँ पे क्या है देखिए, और यहाँ पे जो पूछा गया है ये क्लोज एक्सेस, वो कोर्स था, कोर्स एक्सेस का 1.23 था, यहाँ क्लोज एक्सेस का भी 1.23 दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड। अब इस मेथड के बारे में बता दीजिए, कौन सा क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। क्या है ये, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। देखिए यहाँ पे नॉब्स भी बने हुए हैं ना, देखिए नॉब बना हुआ है, तो इससे टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर सकते हैं आप सोल्डरिंग मशीन का, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये हो गया, अब आइए यहाँ पे लेवल टू, तो इसी का जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका हम लोग आ जाते हैं लेवल टू में। तो लेवल टू में भी करीब करीब जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने के मिल जाएंगे, 33-34 तो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर लेवल थ्री भी इसमें आएगा। तो आइए यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल्स वाले भी आएंगे यहाँ पे, तो आराम से बनाना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट बाय 250 वोल्ट। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखिए रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे वोल्टेज का मान दिया है कितना है, 250, तो 250 गुना 250, ठीक है, और डिवाइड बाय आर का मान कितना है, रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर को उधर भेज देते हैं, पी को नीचे कर देते हैं, ठीक है, तो पी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा आर,
सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आंसर आपका 625 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। कह रहा है कि रेजिस्टेंस वैल्यू का में क्या फ़र्क पड़ेगा जब जब जो है जो कंडक्टर है उसका डायमीटर को क्या कर दिया जाए, उसका व्यास को जो है डबल कर दिया जाएगा। तो देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, R इक्वल टू जो होता है वो होता है रो L बाय A होता है। R इक्वल टू रो L बाय A, जहाँ कि R रेजिस्टेंस हो गया, रो हो गया रेजिस्टिविटी, और या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L हो गया लेंथ ऑफ द वायर, और A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है जब इसका डायमीटर जो है क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो जाहिर सी बात है जब डायमीटर डबल हो जाएगा, अगर डायमीटर मैं बोल रहा हूँ तो इसको कहीं ना कहीं आप त्रिज्या भी बोल सकते हैं, रेडियस भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब कि रेडियस भी त्रिज्या भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। मतलब पहले आर था तो अभी क्या हो गया, टू आर हो गया। ठीक है, त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो। ओके, एरिया का फॉर्मूला जो होता है, जो कि सर्कुलर एरिया मतलब कि वृत्त जो होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो टर्म है दो गुना हो गया, त्रिज्या क्या हो गया, यहाँ पर देखिए दो गुना हो गया, तो टू का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टू का जब स्क्वायर होगा तो कितना बन जाएगा, ये चार हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जो वैल्यू था वो कितना हो गया, चार हो गया, चार गुना हो गया, मतलब कि नीचे में चार गुना हो गया। ठीक है, नीचे में क्या हो गया, चार गुना जब हो गया तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, जब वो बढ़ जा रहा है, जब ये वाला वैल्यू जब दो गुना बढ़ जा रहा है, कहने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जा रहा है, टू का इसका मतलब चार गुना हो जा रहा है। तो जो रेडियस जो आपका ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, चार गुना घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर और जो एरिया है नीचे देखिए बटा में है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि रेडियस इसका दो गुना, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चार गुना घट जाएगा। समझे कैसे बनाएं ये वाला, तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी किसका होता है, नेगेटिव टेम्परेचर तो ये होता है माइका का होता है। ठीक है, माइका का जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन बोला गया है क्या हो जाएगा, मल्टीपल रजिस्टर्स ऑफ ए वोल्ट मीटर। तो मल्टीपल रजिस्टर्स ऑफ ए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के अंदर जो है रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीजिकली सर्किट्स कहलाते हैं, जो कि मल्टीपल बहुत सारे लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पाँच नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। तो कहा जा रहा है कि सीरीज सर्किट में जब ओपन रजिस्टर होता है, खुला रजिस्टर होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन सर्किट रजिस्टर। कह रहा है कि अगर कोई सीरीज सर्किट है उसका रजिस्टर जो है, ठीक है, वो रजिस्टर ओपन हो जाए, सीरीज सर्किट है और उसमें रजिस्टर क्या हो जा रहा है, ये ओपन हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर ओपन हो गया तो जितना भी वोल्टेज था सभी इस रजिस्टर के अक्रॉस ही आ जाएगा ना, है ना, सभी वोल्टेज जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छ, क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर इफ इट्स रजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि रजिस्टर का क्या नाम होगा जब रजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ साथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रजिस्टेंस भी बढ़ा, इसको हम लोग कहते हैं सेंसिस्टर्स। क्या कहते हैं, सेंसिस्टर्स कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप आर टू के अक्रॉस निकालना है, कहाँ निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है। ठीक है, तो आर टू के अक्रॉस निकालना होगा आपको, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो देखिए ये जो चारों रजिस्टर किस में है, सीरीज में ज्वाइंट है ना,
फिजिकली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट चारों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है, आर टू के अक्रॉस निकालना है ना। तो आर टू के अक्रॉस जब निकालिएगा वोल्टेज ड्रॉप आर टू के अक्रॉस, मतलब वी आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रजिस्टर का वैल्यू है वो जो पूछा गया था, मतलब वो रेजिस्टेंस का मान डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट जो वैल्यू हमने पूरा का निकाला है 1000, और गुने में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई जा रहा है, 50 वोल्ट पूरे सर्किट में जा रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और ये जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 10 वोल्ट, क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चल लिया। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का आपको एग्जांपल बताना है, तो क्या होगा, फ्यूज इन सर्किट। जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि जो आपके घर में फ्यूज होते हैं वो फेज के साथ सीरीज में लगे हुए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 9 नंबर, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल। अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया है, देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो यहाँ पे एरिया डबल किया जा रहा है, फिर से वही फॉर्मूला आएगा, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब एरिया को कर दिया है डबल, ठीक है, दो गुना कर दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो गुना घट जाएगा, डिक्रीज टू टाइम्स, जाहिर सी बात है ना। लेकिन यही अगर बोल देता कि जो रेडियस या फिर जो है डायमीटर जो है दो गुना बढ़ गया है, तब रेडियस क्या हो जाता है, चार गुना घट जाता है, जो कि ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, क्रॉस सेक्शनल बोलेगा और त्रिज्या अगर बोलेगा या फिर जो है रेडियस बोलेगा या डायमीटर बोलेगा तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। अगर जो है लाइट का इंटेंसिटी अगर बढ़ जाता है तो उस टाइम एलडीआर जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, समझे, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बताइए, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा ओपन सर्किट में, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के कौन सा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो कहा जा रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब क्या, किसको कहते हैं, जो आयरन के ऊपर जो जिंक का जो लेप लगाया जाता है उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए। तो उसमें किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है, 13 नंबर, तो देखिए इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क। तो बोल रहा है कि जो है किस प्रकार का सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी प्रोडक्शन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब यूज किया बनाया जाए कुछ प्रोडक्ट्स को या टीनिंग पर्पस से, तो उसमें कौन सा सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं, डीप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैम्प। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है नियॉन लैम्प के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट्स, मैग्नेटिक केमिकल या फिर गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो 15 का जो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपका गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोडक्शन। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस गिव्स कोर्स एक्सेस करंट प्रोडक्शन, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे,
देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, री वायरेबल फ्यूजेज जो होते हैं वो आपको करंट प्रोडक्शन में जो है आपको ये करते हैं, मतलब सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये जगह री वायरेबल फ्यूजेज। आइए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। तो जो ओवरहेड लाइंस जो आपके घर में अगर देखे होंगे, घर में नहीं तो मतलब घर के बाहर जो पोल वगैरह सब, जो पोल में जो तार लगा हुआ होता है वो ओवरहेड लाइंस हो गया, ठीक है। तो उसमें किस तरह का ज्वाइंट लग किया जाता है अगर एक्सटेंशन करना है तो, वायर को और बढ़ाना है, एक पोल से दूसरे पोल में ले जाना है, बीच में मतलब तार छोटा पड़ रहा है तो उसको ज्वाइंट करना होगा, तो उसमें कौन सा ज्वाइंट कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का हम लोग यूज करेंगे, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग अल्मोनियम कंडक्टर। तो अल्मोनियम कंडक्टर का सोल्डरिंग के लिए कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज होगा भाई, तो ये हो जाएगा करलाइट, ठीक है, करलाइट। तो ऐसे करलाइट जो होता है ना वो अल्मोनियम का शायद अयस्क भी होता है, चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, करलाइट ऐसे इसका हो जाएगा आंसर सोल्डरिंग फ्लक्स। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। अब जब मोल्टेन सोल्डर जो होता है अगर उसको रिपीटेड मेल्टिंग करते रहिएगा, बार बार उसको गलाते रहिएगा, ठीक है, मोल्टेन सोल्डर को, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, टिन कंटेंट जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा, टिन कंटेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। तो जो जंक्शन बॉक्स होता है, ठीक है, जंक्शन बॉक्स इस तरह से हो सकता है, तो उसमें किस तरह का वायर ज्वाइंट देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, रेड टेल ज्वाइंट, ठीक है, रेड टेल ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटेनिया ज्वाइंट, ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट। तो ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट का यूज पूछा गया है, तो क्या होगा देखिए, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस। तो ओवरहेड लाइंस मतलब पोल वाला जो वायर होता है, ठीक है, वहाँ से टैपिंग करके जब घरों में जो वायर लाया जाता है, तो ये जो ज्वाइंट यहाँ जो बनता है ये हो जाता है ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट, यहाँ पर टी ज्वाइंट का यूज होता है। तो टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइंस, ठीक है, यही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखिए, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर वर्क्स। तो रिपेयर वर्क्स और सर्विसिंग के लिए कौन सा सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो हो जाएगा सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, ठीक है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में या अपने वर्कशॉप में करते भी होंगे या देखते होंगे। चलिए 23, व्हाट इज द यूज ऑफ डिससोल्डरिंग मेथड। तो डिससोल्डरिंग मेथड का यूज क्या है, तो क्या यूज है भाई, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबी, ठीक है। तो मिनिएचर कंपोनेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो पीसीबी बोर्ड होता है, ठीक है, पीसीबी बोर्ड पे मिनिएचर कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करने के पर्पस से डीप सोल्डरिंग, मैं यहाँ पे डिससोल्डरिंग बोल रहा था, डीप सोल्डरिंग मेथड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, डीप सोल्डरिंग मेथड्स का यूज करते हैं हम लोग इसमें, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑफ पीसीबी। आइए क्वेश्चन अगला है 24 नंबर, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, क्या हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज होता है ओवरहेड लाइंस में। देखिए, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। तो व्हीकल बॉडी जो होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है, तो गाड़ी वगैरह में जो रिपेयरिंग के टाइम, जैसे कहीं कुछ टूट फूट गया, वहाँ पे जो रिपेयरिंग करने टाइम जो है सोल्डरिंग का यूज किया जाता है ज्वाइंट वाइंट के लिए, तो वहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करते हैं भाई, वहाँ हम लोग करते हैं सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ठीक है, सोल्डरिंग विथ फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। तो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स ये हो गए, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का जो स्ट्रेट या सॉलिड कंडक्टर्स के अपेक्षा क्या एडवांटेज है भाई, तो देखिए ये क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल, ज़्यादा लचीले होते हैं स्ट्रैंडेड
ट्विस्टेड वाला आप लोग देखे होंगे, इस तरह से जो रहता है घरों घरों में आप लोग यूज करते हैं, ये हो जाता है इस तरह से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो बोला करंट कैपेसिटी बोला जा रहा है 16 एम्पियर केबल का बताने के लिए, जब वो प्रोटेक्ट किससे है, कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन से वो मतलब प्रोटेक्टेड है। तो 16 वाले के लिए, 16 एम्पियर वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, 13 एम्पियर वाला आंसर चले जाएगा इसमें, ठीक है। आइए अगला कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। डिसएडवांटेज अब पूछा गया है किसका, सॉलिड कंडक्टर्स का, तो डिसएडवांटेज बताना है क्या हो जाएगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी। वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया गया, उस वाले में क्या था, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एडवांटेज पूछा गया था, तो क्या हो जाता, फ्लेक्सिबल था वो, और यहाँ पे डिसएडवांटेज सॉलिड कंडक्टर का है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, उसी का क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन 29, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज इन लार्ज सिंगल कंडक्टर विथ गुड अपियरेंस, ठीक है। लार्ज सिंगल कंडक्टर, एक बड़ा सा सिंगल कंडक्टर होता है जिसमें जिसका कि दिखावा मतलब कि बाहर से अपीयरेंस जो है बहुत ही अच्छा होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्कार्फ्ड, स्कार्फ ज्वाइंट, क्या होगा, स्कार्फ्ड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर ए। आइए, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग, कोल्ड शोल्डर इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कॉज है वो पूछा गया है, तो हो जाएगा इनसफिशियंट हीटिंग, ठीक है, इनसफिशियंट हीटिंग के कारण ऐसा डिफेक्ट होता है, ठीक है। कोल्ड शोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग का रीजन क्या है, कि पूरा अच्छे से गर्म ना होना सोल्डरिंग मशीन का, ठीक है, तो इनसफिशियंट हीटिंग। आइए अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंडक्टर्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कौन से कंडक्टर्स का यूज होता है भाई, तो बेयर कंडक्टर, क्या हो जाता है, बेयर कंडक्टर्स, जो कि नंगा कंडक्टर्स भी आप कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताना है एक्स और वाई के बीच, तो बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, इसको छः, ये छः लग रहा है आई थिंक, छः और इधर दो, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, छः और दो आठ हो जाएगा। अब आठ और चौबीस पैरेलल में है, तो आठ और दो चौबीस में पैरेलल में है, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला जो सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऊपर में दोनों कंपोनेंट्स का गुना, इससे कितना आया हमको, आठ आया ना, छः और दो आठ हो गया, सीरीज में था इसलिए जोड़ दिए। अब आठ और बारह पैरेलल में है, तो आठ यहाँ पर लिख दिए, आठ और चौबीस, ठीक है, यहाँ चौबीस कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, चौबीस जोड़ आठ हो जाएगा, चौबीस जोड़ आठ, तो कितना हो जाएगा, बत्तीस हो जाएगा, बत्तीस, सॉल्व कर लीजिए, अठ चौक बत्तीस, उसके बाद देखिए यहाँ पे चार से कट जाएगा, छः बार में कितना आ गया, यहाँ से छः का मान आ गया, तो ये आठ, ये चौबीस को जब सॉल्व किए हैं तो कितना आ गया, छः आ गया, मतलब कि यहाँ पे हम एक छः का लगा सकते हैं इक्विवेलेंट, छः ओम का, तो यहाँ छः है और यहाँ भी छः, दोनों फिर से पैरेलल में हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए कितना हो जाएगा, छः गुना छः और नीचे छः जोड़ छः बारह, सॉल्व कीजिए दो बार में, ये कट जाएगा तीन, तो कितना हो गया आंसर, तीन ओम, आंसर क्या लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। चलिए, व्हाट इज द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द 200 वाट बाय 250 वोल्ट लैम्प इफ द कोल्ड रेजिस्टेंस इज 25 ओम। तो हॉट रेजिस्टेंस पूछा गया है, जबकि जो है कोल्ड रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है और जो है इसका रेटिंग दिया हुआ है इस बल्ब का, लैंप का, तो वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको पता होगा कि P बराबर जो होता है पावर बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है, मतलब कि वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए P का मान दिया हुआ है 200, V का मान भी दिया हुआ है 250 आर इंटू आई, यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल पाइएगा, ठीक है, तो आई का मान कितना हो जाएगा भाई, 200 और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा 250 है यहाँ पे, हाँ, तो 200 डिवाइड बाय
250। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वैल्यू आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5, मतलब 4/5 जो है करंट का मान हो जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में इतना करना ही नहीं है, आपको करंट निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सिंपल आप जो एक क्वेश्चन में अभी बताया था ना आप लोग को, बस वही उसी के थ्रू ये बन जाएगा। तो देखिए पी बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, ये आर ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी। इसको सॉल्व कीजिए तो वी का मान आपका है 250 गुना 250, क्योंकि वी स्क्वायर इसलिए, और डिवाइड बाय पी, तो पी का जो वैल्यू है पावर जो है आपका 200 है, ठीक है 200। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 312.5 ओम, ठीक है। तो आंसर आपका चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, या फिर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है यहाँ पे 34, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ ए बी पॉइंट इज शॉर्टेड। तो ए बी पॉइंट अगर शॉर्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट अगर ए और बी शॉर्ट हो जाता है तो क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा क्योंकि सारे करंट्स किधर से दौड़ जाएंगे, इधर से ही शॉर्ट वाले पार्ट से चले जाएगा। करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा ऐसे पाथ को फॉलो करता है जहाँ की ऑब्जेक्शंस नहीं हो, जहाँ की रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो। यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी, बट यहाँ पे स्ट्रेट इसको पाथ मिल जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन पाथ या फिर नो रेजिस्टेंस पाथ है, तो इधर से ही चले जाएगा। इसलिए करंट जो है सर्किट में, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है सर्किट में क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। 34, तो ये 34 के साथ जो है ये लेवल ख़त्म हो रहा है। अब इसमें एक और लेवल दे दिया गया है, लेवल 3 है, तो चलिए कोई नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन आर टू, ये आर टू के अक्रॉस जो है कितना यहाँ पर रीडिंग होगा ओम मीटर का। ओम मीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस को नापता है, इसके अक्रॉस कितना वैल्यू मेजर होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए कितना होगा, इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि देखिए ओपन रजिस्टर है, यहाँ पर देखिए ब्रेक हो गया, ये क्या है ब्रेक, यहाँ खाली है, तो ये ओपन रजिस्टर का एक सिम्बॉल है। अब इसके अक्रॉस अगर आप लगाइएगा ओम मीटर तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा दिखाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि बीच में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इंडिकेट इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। अब देखिए ये जो है वेट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन है, यहाँ की पी ए का वैल्यू दिया है 500, फिर क्यू बी सी का मान इसका दिया है 300, ठीक है, इसका मान दिया है 300, यहाँ लिख देते हैं 300, उसके बाद ये जो है पी ए बी है 500, और जो है एस ए डी ये है 15, तो आपसे आर डी सी पूछा गया है, ठीक है, अननोन वैल्यू पूछा गया एस आर डी सी। तो सिंपल है, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इधर लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर इसके क्रॉस, तो रेशियो लेते हैं, तो 500/300, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा 500/300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/x, इसको हमने मान लिया x, इसका तो 15/x इक्वल टू 500/300। सॉल्व करेंगे इसको x के लिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 9 ओम दे देगा, कितना देगा 9 ओम, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आर टू का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है कितना होगा। देखिए यहाँ पे पहले तो ये समझ लीजिए कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे आपको टोटल करंट दिया गया है, आई का मान दिया गया है, यहाँ आपको टोटल वोल्टेज दिया गया है, वी का वैल्यू दिया गया है। तो क्या जब टोटल करंट टोटल वोल्टेज है तो टोटल आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाइएगा, आर टी निकाल पाइएगा, आर टी बराबर क्या हो जाएगा वी बाय आई, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वी डिवाइडेड बाय आई, यहाँ से वी का मान कितना है
24 है, और आई का मान कितना है 15 है। तो 24 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा भाई, जो भी वैल्यू आएगा इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको R2 का ये जो है आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, R2 का मान आपको निकालना है इसका। तो ये तीनों हम लोग देख रहे हैं किस में है, रेजिस्टेंस 1 R1 R2 R3 पैरेलल सर्किट में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाइए, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हमको RT का वैल्यू पता है, ये वाला टर्म हमको पता है, R1 का मान पता है, R2 नहीं पता है, R3 पता है। तो किसी इक्वेशन में अगर एक अननोन है तो ये क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करके आंसर इसको निकाल सकिएगा। इसको सॉल्व कर लेने पे देखिए 1/RT है मतलब 24/15 है, तो जब 1/ में है तो इसको जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 15/24 हो जाएगा, ठीक है। 15/24 इक्वल टू हाउ मच, 1/R1। अब R1 का मान देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, तो इसको इसके जगह हम लोग 8 रख देते हैं 1 के जगह पे, चलिए यहाँ 8 रख दिए, प्लस ये तो नहीं पता है R2, और R3 का पता है 1/3। अब 1/R1 के लिए सॉल्व कीजिए, इन टर्म्स को इधर ले जा करके सॉल्व जब आप कीजिएगा तो आपको जो मान आएगा वो 1/R2 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। ये फिर से बता देते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपको 1/R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 4/24 मतलब ये कट जाएगा यहाँ से 1/6 हो जाएगा। तो 1/R2 इक्वल टू 6, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा 6 ओम। दोनों को पलट दीजिए, ये जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, फिर से यहाँ पे जो है आपका ये लग रहा है यहाँ पे, वेट स्टोन ब्रिज, यहाँ वैल्यूज़ देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं। तो PAB इसका मान 400 दे दिया गया है, और फिर यहाँ पे QBC यहाँ देखिए 200 दिया गया है, SAD जो है 12 ओम दिया गया है, और ये X का मान पूछा गया है। फिर से वही हल करना है, जिधर लगा हुआ रहता है उसके इधर और इधर वाले का हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो लिख देते हैं, और इधर इधर वाले का रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाने वाला है 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 12/R। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा और बेधड़क आपको यहाँ पे जो आंसर मिल जाने वाला है, ये R यहाँ लिखिए, चाहे आप यहाँ X लिखिए, हमने यहाँ पे X माना था, X लिख देंगे तो काट देते हैं, और यहाँ पे X बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन देखिए, R3 का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे। R3 बिल्कुल सेम कंसेप्ट, वही उसी पे बना दीजिए आप लोग। पहले जो है आप लोग R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो V/I तो 2 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 2। फिर आपको R इक्विवेलेंट निकल गया 2, ठीक है। उसके बाद फिर 1/RP या फिर 1/RT जो कि है 1/2 बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/R2 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाय इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/R3। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सिंपली आपको यहाँ आंसर आपको मिल जाने वाला है 12 ओम, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 12 ओम इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पर, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4। अब ये R4 जो है ना, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाइए, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ये पूरे का जो है आपका मान निकालना होगा कितना निकल रहा है ये। तो थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये सब तो आप नोट कर ही लिए होंगे, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। चलिए तो ये कैसे निकलेगा भाई, देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो 40 और 60 का पैरेलल में कितना मान आएगा, 40 और 60 को अगर पैरेलल में आप सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 40×60 और डिवाइडेड बाय 40 जोड़ 60 मतलब 100।
इसका एक शून्य इस किससे कट गया, एक शून्य यहाँ से कट गया, कितना आ गया 24 आ गया, 6 चौके 24। मतलब कि 24 जो है वैल्यू इन दोनों के बदले में लोग क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। और ये कितना है, तो ये आपका 36 समथिंग दिख रहा है मुझे, थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको एक बार जूम कर लेते हैं, रुकिए। हाँ ठीक है, तो ये कितना है आपका 36 है ना, ओके ये 36 है, ये 24 है, ये 50 है, तीनों को जोड़ दीजिए, आपको इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा सर्किट में, ओके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा सर्किट में, आर टी जिसको कह सकते हैं, आर टोटल, तो 36 प्लस 24 प्लस 50, ओके ये वैल्यूज निकल गए, जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे कितना आएगा देखिए, 36 और 24 60 हो जाएगा, 60 और 50 110, 110 वैल्यू हो गया। अब ये वाला वैल्यू क्या है, वोल्टेज है, तो चाहे तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, बट करंट निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है, यहाँ पे आपको R4 के क्रॉस निकालना है, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा भी किसके क्रॉस, R4 के क्रॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी मैं बता रहा था आप लोग को, तो 50 इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, तो ये 50 है डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 110 और गुना कर लीजिए कितना टोटल वोल्टेज है, तो 220 है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, और कितना आएगा भाई, तो ये 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। देखिए यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 11 से दो बार में खाएगा, और यहाँ पे 50 गुना दो हो जाएगा 100, तो आंसर देख लीजिए, आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे होंगे, तो कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारे पास, देखिए क्या दिया गया है, व्हाट हैपेंस टू वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड टू एन एमीटर, कह रहा है कि वोल्ट मीटर को क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू वोल्ट मीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड एज एमीटर, एमीटर की जगह पे जब कनेक्शन कर दिया जाएगा वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर को क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लो रीडिंग, क्या दिखाएगा वो, रीडिंग दिखाएगा कम दिखाएगा, ठीक। आइए, व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग, जब सोल्डरिंग जब यूज नहीं करते हैं, सोल्डरिंग आयरन को जो है स्टैंड में क्यों रखते हैं, तो किस लिए, इसलिए रखा जाता है ताकि जो आग वगैरह से है उससे बचा जा सके, टू प्रिवेंट फायर एंड बर्न्स, और जलने से भी बच सके। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरेलल सर्किट इफ वन ब्रांच इज ओपन, मान लिया जाए कि एक पैरेलल सर्किट है, उसका एक ब्रांच अगर ओपन है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जाहिर सी बात है कि नो करंट विल फ्लो फ्रॉम दैट ब्रांच ओनली, तो पैरेलल सर्किट का फायदा क्या होता है, जैसे कि ये आपका मान लीजिए दो पैरेलल रजिस्टर है, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक ओपन हो गया, ये वाला मान लीजिए कहीं से यहाँ टूट गया या खराब हो गया जल गया, तो ये ओपन हो गया, अब उस केस में क्या होगा कि जो करंट जो बह रहा था, ठीक है, करंट तो इस सर्किट में इस कंपोनेंट में भी जा रहा था और इस कंपोनेंट में जा रहा था, तो अभी अगर ये खराब हो गया तो सिर्फ इससे करंट नहीं बहेगा, बाकी इससे तो बहेगा, इसलिए यहाँ करें नो करंट फ्लो इन दैट ब्रांच ओनली, सिर्फ इसी ब्रांच में, ठीक है। आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर भी, तो इसके अक्रॉस जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा वो बोला जा रहा है। देखिए एक बात को समझ लीजिए, इसका जो ये हमारे पास जो एक सेल है और ये एक सेल मिलकर क्या बन गया, एक बैटरी बन गया, तो यहाँ प्लस एंड ये माइनस एंड, प्लस एंड का एक छोर देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और जा करके यहाँ पर रुक गया, और इसका देखिए जो माइनस वाला एंड है वो यहाँ से शुरू हुआ है, इधर से चलता हुआ यहाँ आ करके ये रुक गया, तो ये एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, समझ लीजिए कि एक वायर यहाँ लेके जोड़ दिए इस पॉइंट में और एक वायर यहाँ ला के यहाँ जोड़ दिए, ठीक है, सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में वोल्टेज ड्रॉप कितना दिखाएगा, 18 वोल्ट ही दिखाएगा, ठीक है, यही सर्किट कंप्लीट हो जाता तो फिर अलग अलग कंपोनेंट्स में इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ होता, बट चूंकि यहाँ पे सर्किट टूटा हुआ है ओपन है, इस वजह से
इस यहाँ पे और इस पॉइंट में, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच हमको 18 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। और अब जो है मॉड्यूल चेंज हो रहा है, फिर से देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। मॉड्यूल नंबर 3 है सेल एंड बैटरीज। पहला क्वेश्चन कहता है, जो कि लेवल 1 का है, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स। सेकेंडरी सेल जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे, किस लॉ पे जो है वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। तो ये आपका किस पे करता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे काम करता है। अब यहाँ पे मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान, जो भी मास जो डिपॉजिट होता है, उसको किस सूत्र से दर्शाया जाता है, तो m = ZIT ग्राम से डिनोट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ बैटरी स्पेसिफाई किस में करते हैं, कैपेसिटी जो होता है बैटरी का वो एम्पियर आवर में हम लोग डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगी कूलम्ब। आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल तो कितना हो जाएगा, 2.5। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर का पूछा जा रहा है, तो कितना होगा ये, ये होगा आपका 1.1182 ग्राम मिलीग्राम पर कूलम्ब, ठीक है, मिलीग्राम पर कूलम्ब। अब देखिए यहाँ पे जेड इंडिकेट, इस जेड के बारे में बोला, ये है क्या, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ECE का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन अल्कलाइन सेल, अल्कलाइन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन मरकरी सेल, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो मरकरी सेल में होता है उसका क्या नाम है, तो होता है जिंक। उसके बाद देखिए केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर का बता दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0.329 मिलीग्राम पर कूलम्ब, और उसका कितना था, तो 1.1182, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर का, ये हो जाएगा अल्मोनियम का, ठीक है। आइए लेवल 2 यहाँ पे चलते हैं। लेवल 2 देखिए कहता है कि विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि सनलाइट को क्या किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सन का जो मतलब कि आपका जो प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, जो कि सोलर सिस्टम में यूज होता है, आई मीन जो आपका सोलर एनर्जी जो होता है उसमें। देखिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। अगर ज़्यादा तीव्र गति से अगर चार्ज करना है, ठीक है, और बहुत ही कम समय के लिए, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं बूस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, बूस्ट चार्ज। अगला क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। अब इलेक्ट्रोलाइट का नाम पूछा जा रहा है, जो कि कार्बन जिंक ड्राई सेल में यूज इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, कार्बन जिंक ड्राई सेल में। अगला क्वेश्चन, विच इफेक्ट काउज फॉर आयोनाइजेशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। कह रहा है कि क्या प्रभाव होगा, ठीक है, विच इफेक्ट काउजेज, कि कौन से इफेक्ट के कारण आयनाइजेशन जो होता है, ठीक है, फॉर आयनाइजेशन बाय पासिंग, तो लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करके आयनाइजेशन जो किया जाता है, तो वो जो है आपसे पूछा जा रहा है कौन सा इफेक्ट से होता है, ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट से होता है बताइए, ये हो जाएगा आपका केमिकल इफेक्ट्स, ठीक है, केमिकल इफेक्ट के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज फॉर नेगेटिव प्लेट। अभी लीड एसिड बैटरी जो होती है, लीड एसिड बैटरी का नेगेटिव प्लेट जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये होता है आपका स्पॉन्ज लीड का बना होता है। आइए, विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज इन डिजिटल वॉचेज। अब डिजिटल वॉचेज में कौन सा सेल का इस्तेमाल होता है भाई, तो ये आपका होता है मरकरी का इस्तेमाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा इधर कट दें, कट रहा होगा शायद, देखिए कहता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर जो होता है उसमें फाइन सेलेक्टर स्विचेस का क्या इस्तेमाल है, तो वो इसलिए होता है, स्विच मतलब क्यों रहते हैं बताइए, इसलिए होते हैं ताकि वो
सेलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, करंट का रेटिंग जो है, करंट कितना देना है उसका सिलेक्शन कर सके उस सेलेक्टर स्विच के सहायता से, बढ़ा घटा सके करंट का वैल्यू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट पर्पस ऑफ हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो किस पर्पस से जो है हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है चार्जिंग ऑफ बैटरी के टाइम। तो हो जाएगा डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए विच इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरी, ठीक है, लीड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट सल्फरिक एसिड, ओके, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, यहाँ पे देखिए ये सभी जो है कितने कितने हैं, तो 1.5 ऐसे करके दिया हुआ है, सारा 1.5 है। यहाँ टोटल वोल्टेज पूछा जा रहा है, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में वैल्यू क्या होगा, वही 1.5 ही होगा, है कि नहीं। तो अगर ये अगर इस तरह से कनेक्ट नहीं हो करके, अगर इस तरह से कनेक्ट होता, तो अगर इस तरह से होता तो सबको जोड़ देते, 1.5 प्लस 1.5 ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस अरेंजमेंट से क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है वोल्टेज का, ठीक है। चलिए मतलब कैपेसिटी इन द सेंस कि बैटरी का क्षमता बढ़ जाता है। अब देखिए व्हाट इज द आउटकम ऑफ द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है जब चार्ज होता है उस टाइम में पॉजिटिव प्लेट में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा आउटकम आता है या रिएक्शन होके आता है, तो ज़्यादा लेड पेरोक्साइड क्या बनता है, पॉजिटिव प्लेट पे लेड पेरोक्साइड बनता है। क्वेश्चन अगला देखिए 12 है, इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम। कौन सा मेथड में बोल रहा है कि जो बैटरी होता है उसको लंबे समय तक और धीरे धीरे चार्ज किया जाता है, मतलब कि कम करंट पे उसको चार्ज किया जाता है और लंबे समय के लिए, मतलब धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा टिकल चार्जिंग मेथड, क्या हो जाएगा, टिकल चार्जिंग मेथड। 13 नंबर विच मेटल इज यूज्ड एज कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा मटेरियल जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में होता है, तो ये हो जाएगा आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कहता है 14 नंबर देखिए कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग के समय जो नेगेटिव प्लेट जो होता है लीड एसिड बैटरी का, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, उस नेगेटिव प्लेट में कौन सा आउटकम, क्या आउटकम आता है, क्या वहाँ पर रिजल्टेंट बनता है, वो बोला गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेड सल्फेट, ठीक है, लेड सल्फेट हो जाएगा, PbSO4 होता है। क्वेश्चन 15 व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी, सेपरेटर का क्या इस्तेमाल होता है, देखिए टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में जो है शॉर्ट सर्किट नहीं, इसलिए सेपरेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 16 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, कह रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लीड एसिड बैटरी का होता है उसको मेजर करने के काम में, नापने के काम में आता है। तो आपको बताया अभी हम लोग क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अब वोल्टमीटर का रीडिंग पूछा है, कितना वोल्टमीटर रीड करके बताएगा। अभी जस्ट अभी को बताए थे सीरीज में जुड़ा हुआ, तीनों को जोड़ दीजिए, 1.5 प्लस 1.5 तीन हो गया, और 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि विच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मटेरियल का ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स का। चलिए 19 नंबर विच अपरेटस इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी इन अ वोल्टेज इन अ बैटरी। तो अपरेटस का नाम पूछा जा रहा है जो कि चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज, चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन अ बैटरी, बैटरी में जो है वोल्टेज कंडीशन को, वोल्टेज कंडीशन जो है उसका, उसका चार्जिंग को चेक करने के लिए किस अपरेटस का यूज इस्तेमाल करते हैं। तो हो जाएगा देखिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, यहाँ पर देखिए विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो याद रखिएगा एनोड जो होता है वो लूज करता है, ठीक है।
ओके अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द एडवांटेज ऑफ निकल आयरन सेल, एडवांटेज पूछा जा रहा है किसका, तो निकल आयरन सेल का पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, कैन विथस्टैंड हैवी चार्जिंग करंट, क्या कर सकता है ये, विथस्टैंड कर सकता है बहुत ही ज़्यादा करंट को, होल्ड कर सकता है, समझिए। ठीक है, 22 नंबर देखिए, विच मैथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी इज इनसफिशियंट, कह रहा है कि कौन सा मेथड है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ही इनइफिशियंट है, मतलब कि वो ज़्यादा उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो मतलब एक तरह समझिए कि इफिशियंसी उतना नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट करंट मेथड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलेक्टर स्विच प्रोवाइडेड इन बैटरी चार्जर, तो बैटरी चार्जर में जो सेलेक्टर स्विच होता है उसका यूज क्या है भाई, तो देखिए ये बताए थे अभी, टू सेलेक्ट द चार्जिंग वोल्टेज एंड करंट, जो चार्जिंग वोल्टेज और करंट को चेंज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 24, विच केमिकल मटेरियल इज यूज टू कवर द टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल पोस्ट ऑफ द बैटरी टू अवॉइड कोरोजन, तो यहाँ पे केमिकल मटेरियल्स का नाम पूछा गया है जो कि टर्मिनल बॉक्स जो बैटरी का होता है उसमें लगाया जाता है ताकि कोरोजन से बचा जा सके, जंग से बचा जा सके, तो क्या जगह पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पटिया हमारा लेवल 3 हो चुका है। ठीक है, लेवल 3 में यहाँ पे आपको लगभग जो है 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर इसके बाद हम लोग जो है सेशन आज का क्लोज कर लेंगे यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट दैट बेंडिंग ऑफ प्लेट्स इन सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में जो बेंडिंग होता है, जो प्लेट्स बेंड कर जाते हैं, वो उसका नाम पूछा है, उस डिफेक्ट का नाम पूछा है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बकलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, बकलिंग। अगला क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सर्फेस, तो मेटल सर्फेस जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब मेटल सर्फेस के कोरोजन को, जंग जो लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, क्या होगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड टू रिवर्स पोलैरिटी इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है और उसमें पोलैरिटी ऐसे था, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे जो था प्लस माइनस था, और आपने क्या कर दिया, रिवर्स कनेक्शन कर दिया, मतलब कि ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से ऐसे कनेक्शन होता तो पैरेलल में होता, ये पैरेलल प्लस वाला प्लस के साथ होता, पर आपने इसका इससे कर दिया है कनेक्शन, इसका इससे कर दिया कनेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। चलिए क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल, कह रहा है कि इफेक्ट पूछा जा रहा है किस पर, आउटपुट पावर पर, किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर इन सोलर सेल, सोलर सेल का जो टेम्परेचर होता है उसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है कि आउटपुट पावर में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो क्या करने लगेगा, पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आउटपुट पावर डिक्रीज होने लगेगा अगर सोलर सेल का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, जो बैटरी जब चार्ज होता है तो वेंट प्लग को क्यों हम लोग जो है ओपन करके रखते हैं, निकाल कर रखते हैं, टू स्केप द गैस फ्रीली, क्योंकि आपको पता है रिएक्शंस होता है तो वहाँ पर गैस जो निकलता है उसको वो बाहर निकल सके अच्छे से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ढक्कन होता है बैटरी का वो लोग खोल देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 6, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड, ठीक है, हार्ड सल्फेशन जो होता है, जो डिफेक्ट है हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट, वो लेड एसिड बैटरी में कैसे रेक्टिफाइड किया जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो कैसे करेंगे भाई, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर टाइम एट लो करंट, तो कम उसको बहुत लंबे समय तक चार्ज करने से जो सल्फेशन डिफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन ए लीड एसिड बैटरी, तो लीड एसिड बैटरी में बकलिंग डिफेक्ट जो होता है उसका क्या प्रभाव है, तो इसका प्रभाव है बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, है ना। आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, व्हाट हैपेंस टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इंक्रीज, अगर लोड इंक्रीज हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या असर पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अगर लोड बढ़ रहा है तो।
अब देखिए हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टेक्सेल, तो लोकल एक्शन के बारे में बोल रहा है, लोकल एक्शन डिफेक्ट जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वोल्टेक सेल में। तो 9 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका 10, बाय अमलगमेटिंग द जिंक प्लेट। जिंक प्लेट को जब आप अमलगमेटिंग कीजिएगा, मतलब देखिए अमलगमेटिंग मतलब होता है कि जो है अमलगम फॉर्म करना, जो इसमें कि हम लोग मरकरी का यूज करते हैं, तो अमलगम बनाता है मरकरी और जिंक प्लेट के साथ उसको हम लोग जब कर देंगे तो ये आपका लोकल डिफेक्ट जो है वोल्टेक सेल में रुक जाएगा। देखिए क्वेश्चन 10 है कि विच इज काउज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी। अब यहाँ फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन कि लीड एसिड बैटरी में बकलिंग इफेक्ट का कारण पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका कारण? ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। बकलिंग डिफेक्ट क्यों आता है? जब आप उसको ओवर चार्ज कर देते हैं या फिर ओवर डिस्चार्ज कर देते हैं उस केस में। क्वेश्चन अगला है, वाई द विच इज द सिम्टम ऑफ लोकल एक्शन डिफेक्ट इन सिंपल सेल। अब सिंपल सेल का बोल रहा है सिम्टम्स लोकल डिफेक्ट का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन बबल्स इवॉल्व फ्रॉम जिंक प्लेट। जिंक प्लेट से हाइड्रोजन बबल क्या होंगे? निकलेंगे। अब क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लीड एसिड बैटरी। हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट जो है लीड एसिड बैटरी का कारण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ओवर डिस्चार्जिंग के कारण। क्या हो जाएगा? ओवर डिस्चार्जिंग। अब यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर लगाया गया है यहाँ पे इस जगह में, अब इससे आपसे रीडिंग पूछा रहा है कितना रीड करेगा, तो क्या कीजिएगा? सबको जोड़ दीजिए, तो ये 1.5 तीन हो गया, 1.5 तीन, और यहाँ से भी फिर ये तीन है ना। बट हाँ सभी का देखिए, बट यहाँ पे पोलरिटीज देखिए चेंज हो गया है, ये तीन 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 मैं तो बोला, लेकिन तीन तीन होगा नहीं ये। क्यों नहीं होगा? देखिए समझ लीजिए, देखिए ये वाला इसका प्लस, ये जो प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस प्लस के साथ लगा है तब जुड़ेगा, माइनस ये जो है प्लस के साथ लगेगा तब जुड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस जो है प्लस के साथ लगा है तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ देखिए क्या हुआ, ये जो माइनस था ये माइनस के साथ लग गया, समझिए ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी माइनस है, ये माइनस, तो माइनस का देखिए प्लस के साथ मिल गया, ये तो माइनस होगा, फिर माइनस वाला प्लस के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो ही तो बचा इसमें सेल, एक तो मतलब चार तो सेल बचा, एक तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 1.5 कितना हो गया? तीन हो गया, फिर ये वाला तो कट गया ख़त्म हो गया, अब ये दोनों 1.5 मतलब कि तीन हो गया, तो इन दोनों को जब जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ढंग का सवाल है। क्वेश्चन लास्ट देखिए, व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ बैटरी चार्जिंग सर्किट। कह रहा है कि फॉल्ट के बारे में पूछा गया है बैटरी चार्जिंग सर्किट में, तो हो जाएगा क्या? पोलैरिटी ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू कनेक्शन टू रेक्टिफायर इज रिवर्स, ठीक है। तो फॉल्ट जो बैटरी चार्जिंग सर्किट का है वो क्या है, हो सकता है कि पोलैरिटी ऑफ बैटरी कनेक्शन टू रेक्टिफायर इज रिवर्स, जो पोलैरिटी जो बैटरी के साथ कनेक्शन हुआ है वो रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, जिसके कारण फॉल्ट आ रहा है, तो उसको आप सीधा करके लगा सकते हैं प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में। तो साथियों यहाँ पे जो है हमारा ये क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो रहा है, मतलब कि ये मॉड्यूल तीन जो है कंप्लीट हो रहा है सेल एंड बैटरीज का। तो आगे के भी जो है क्वेश्चन आप लोग को मैं कराऊँगा पार्ट अगले पार्ट में, तो ये पार्ट नंबर वन जो है कंप्लीट हुआ। इस तरह से मोर और लेस जो है चार से पाँच जो है पार्ट्स आएंगे, जिसमें कि आपका पूरा CITS का कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आपका प्रिपरेशन भी हुआ होगा और समय भी आपको मिल जा रहा था, तो आप फटाफट में चेकआउट भी टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं, जहाँ की कितना आपका तैयारी हो भी पता चल जाएगा आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन जो है मोर और लेस इसी से रहते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए इंग्लिश में दिया है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ सबको, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।